हेलो गाइस, नमस्ते। आज हम बनाने जा रहे हैं टोफू फ्राइड राइस। इसके लिए हमने टोफू रेडीमेड लिए हैं। अब एक कढ़ाई को में तेल डालकर हम अच्छी तरह से टोफू को फ्राई कर लेंगे। हल्के हाथों से चलाएंगे इसको, क्योंकि तेल में फ्राई करने से टूटता भी है। आप चाहे तो तवा फ्राई भी कर सकते हैं। और टोफू सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सारे प्रोटीन की मात्रा पाए जाते हैं। जोड़ों के दर्द, मसल पेन के लिए भी बहुत अच्छा होता है टोफू खाना। इसको हम डार्क नहीं, लाइट ब्राउन होने तक भुनेंगे। लीजिए, टोफू हो चला है। अब इसको हम साइड कर लेंगे। और इसी तेल में हम थोड़ा जीरा, यानी हाफ चम्मच जीरा और थोड़ी कड़ी पत्ता डालेंगे। और इसके बाद हम इसमें एक बड़े प्याज को यानी जो मीडियम है तो दो प्याज को कट करके हम डालेंगे। और प्याज को अच्छे से सौगे करेंगे। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब इसमें बेसिक मसाले हैं वो डालेंगे हम, जैसे चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, सभी हाफ टी स्पून डालेंगे। और थोड़ा सा गर्म मसाला डालेंगे, नमक डालेंगे, धनिया पत्ती डालेंगे और गरम मसाला डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद चिली गार्लिक पेस्ट डालेंगे। उसके बाद थोड़ा सोया सॉस एक चम्मच और एक चम्मच चिली सॉस डालेंगे। और अच्छी तरह से इसको सौगे करेंगे। इसके बाद हम इसमें पका हुआ राइस को डालेंगे। अगर आपके पास पका हुआ राइस पहले से भी है, चाहे बच जाते हैं, हम लोग फ्रिज में रख देते, उसको भी इस तरह से बना सकते हैं। फ्रेश भी राइस को बना सकते हैं, फटाफट बनाकर आप बच्चे को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, अपने भी खुद खा सकते हैं, जब भी भूख लगे बनाकर खा सकते हैं, बहुत टेस्टी होता है। अब इसमें हम टोफू ऐड करेंगे। अभी सभी अच्छी तरह से सौगे होने के बाद अब इसमें धनिया पत्ती से हम गार्निश करेंगे। लीजिए, रेडी है